हेलो स्टूडेंट्स, हम हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर एमपी बोर्ड की। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख सकते हैं इस बार स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड ने 2023-24 का जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, 12th क्लास का, इसके स्टूडेंट्स यहां पर मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को टोटल जो है 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 3 घंटे का आपका समय रहेगा, मैक्सिमम 70 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है। आप सभी को पता है 30 नंबर स्टूडेंट्स आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। पेपर का जो पैटर्न रहेगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से रहेगा, आप देख लीजिए। और ये स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको स्टूडेंट्स आप तैयार करके जरूर रखिए, क्योंकि सर्वाधिक यहाँ से स्टूडेंट्स आपका जो है क्वेश्चन पेपर आने की संभावना बनेगी। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इसके बाद में चालक, ठीक है, में धारा प्रवाह होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से, ठीक है, पूछा जा सकता है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, ठीक है, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है। लेंज का नियम क्या है, आवेश संरक्षण पर है, संवेग पर है, या द्रव्यमान पर है, या ऊर्जा पर बेस्ड है लेंज लॉ हमारा। इसके बाद में विद्युत चुंबकीय तरंगों पर बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों से। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहा जाता है, कैसे हम लोग इंटरफ्रेंस के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग जो है, ठीक है, डिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, या इसे पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं, या इसको रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। फिर आपसे स्टूडेंट्स फ्लफ पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स आप लोग देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोन का विराम द्रव्यमान है, दृष्ट धारा पर बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, अर्धचालक पर बेस्ड क्वेश्चन है, समांतर, ठीक है, धारावाही चालक पर बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों के, प्रकाश के अपवर्तन पर भी बेस्ड स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। फिर ट्रू और फॉल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है, हाइड्रोजन बम पर बेस्ड है, प्रकाशिक तंतु पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। इसके बाद में 4th नंबर में आप लोगों को स्टूडेंट्स सही जोड़ी मेज दी कॉलम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को स्टूडेंट्स ये 6 मार्क्स का रहेगा, रेडियो तरंगे, परावैग्नि तरंगे, दृश्य प्रकाश, ठीक है, द्रव्य तरंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, इलेक्ट्रॉन की खोज, इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका रहेगा, ये स्टूडेंट्स आपका जो है, ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा। पृथ्वी का विद्युत विभाव कितना होता है, SI यूनिट आपसे अनुगमन वेग की पूछी जा रही है, कार्य फलन और, ठीक है, दहली आवृत्ति में संबंध बताना है। इसके बाद में सेल का जो है विद्युत वाहक बल आपको बताना है, धारा मापी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इनके स्टूडेंट्स आप लोग जो है आंसर ढूंढ लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं इनके आंसर आप निकाल के रखिए। लेंज नियम लिखने के लिए आपको आएगा, उसके ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको संधारित प्रतिघात की परिभाषा है, फिर किसी विद्युत परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा पर बेस क्वेश्चन है, परिपथ में स्वपेरकत्व आपको बताना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से है परिपथ में धारा के, ठीक है, RMS मान को ज्ञात करना है आप लोगों को, डिटरमाइन दी RMS वैल्यू निकालना है। इसके बाद में वाहन मैं पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग जो काला होता है स्टूडेंट्स, तो इससे क्या प्रतिबिंब पर प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। फिर किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो है √2 है, उसका क्रांतिक कोण आप लोगों को निकालना होगा, क्रिटिकल एंगल जिसे कहा जाता है। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको दिया गया, फोकस दूरी आपको निकालना होगा। फिर स्टूडेंट्स आपको जो है तरंगार निर्गत आपको बताना होगा, यहाँ पर इमर्ज फ्रॉम क्या होता है, बिंदु स्रोत क्या है, दूरस्थ प्रकाश स्रोत क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। कला संबद्ध स्रोत क्या चीज होता है, ठीक है, ये आपसे पेपर में आ रहा है। इसके बाद में परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बड़े कौन के अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु का नाभिक ही जिम्मेदार होता है, इसकी व्याख्या आपको करना है। द्रव्यमान क्षति क्या है, ये आपसे आ रहा है। रेडियो एक्टिव को आपको परिभाषित करना है, किसी विद्युत सेल के, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करना है, इनके मान किन किन कारणों से, ठीक है, और किन कारकों पर निर्भर करते हैं, ये आपको बताना होगा। फिर प्रतिरोधकता हमें ज्ञात करना है, अच्छा चालक क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में वायु सेवर्ट्स का नियम आपको पेपर में पूछा जा रहा है, एम्पियर का परिपथीय नियम पेपर में पूछा जा रहा है, एम्पियर, ठीक है, सर्कुलेटर लॉ, एन और पी अर्धचालक में अंतर आपसे आ रहा है, निज अर्धचालक और अपद्रवी अर्धचालक में अंतर है, NP संधि डायोड क्या चीज़ होता है, इस पर क्वेश्चन है, NP संधि डायोड की कार्यविधि और पश्च्य अभिनीति पर बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के, गॉस प्रमेय पर बेस्ड क्वेश्चन है, समांतर प्लेट की धारिता हेतु संबंध आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। इसके बाद में किरचाफ नियम पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। प्रत्यावर्ती धारा में डायनमो का आपको वर्णन करना है, सिद्धांत नामांकित चित्र और कार्यविधि बताना है आप लोगों को, प्रिंसिपल, ठीक है, और लेवल डायग्राम और वर्किंग पर बेस्ड क्वेश्चन है।
दो एक दूसरे पर लिपटी सम, ठीक है, अक्षीय लंबी परिनालिका की अन्योन पेरकट का व्यंजक आपको बताना होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, कॉक्सियल, ठीक है, सेलेनॉइड्स ऑफ सेम लेंथ बाउंड ओवर ईच अदर, ये क्वेश्चन है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर बेस क्वेश्चन है आप लोगों पर, ठीक है, आपको माइक्रोस्कोप पर बेस क्वेश्चन पूछा गया कंपाउंड। इसके बाद में स्टूडेंट्स किसी प्रिज्म के लिए सिद्धांत ये सिद्ध कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है प्रिज्म के लिए, ठीक है, तो प्रिज्म प्रूफ आपको ये करना होगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का पूरा फिजिक्स का पेपर है, इस पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड ने स्टूडेंट्स इसे हाल ही में जारी किया है। यदि आपके पास में ऑलरेडी है स्टूडेंट्स तो इन क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और स्टूडेंट्स आपके पास में कोई भी रेफरेंस यदि है जिससे परीक्षा अध्ययन है, युगबोध है, तो इस तरीके से जो मार्केट में स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, गाइड्स वगैरह मिलती हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें जो 2019 से लेकर जो 22 तक के पेपर हैं आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। उससे पुराने पेपर आपको नहीं पढ़ना है, 19 से पहले के पेपर मत पढ़िएगा, 2019, 2020, 2021, 2022 और स्टूडेंट्स ये अभी 23 वाले सत्र के आपको पेपर देखने हैं, 23-24 वाले जो अभी हमने आपको बताए हैं, ये स्टूडेंट्स अभी बोर्ड के द्वारा ही जारी किया जा चुका है, तो इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोग, ये पेपर जारी किया जा चुका है हायर सेकेंडरी, ठीक है, एग्जाम 2024 भौतिक विज्ञान, और ये स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है, एमपी बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा ही ये जारी किए जा चुके हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आने की 100% संभावना बनेगी, तो इन क्वेश्चनों की जरूर तैयारी करके आप जाइएगा। और स्टूडेंट्स यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या एंट्रेंस एग्जाम की, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर ऐसे अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।